हेलो दोस्तों, आज थोनू असी दिखाण जा रहे हैं गुरुद्वारा कटाणा साहब। लेकिन उस तो पहला अगर तुसी मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सबसक्राइब कर सकते हो। एक गुरुद्वारा जिहड़ा हैगा जी दराहे तो नीलोवाल जाते हुए बिल्कुल सेंटर जिहदे विच पैंदा नहर के उत्ते जिहड़ा कि कटाणा साहब के नाल मशहूर है। इत्थे श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी 20 फगन 1675 ईस्वी विच आए सीगे। जदों वो इत्थे पहुँचे सी तां उन्हां दे कोले 7 तोपां सीगियां जी, 1100 घोड़ सवार सी, चंदू कैदी सीगा जी जिन्हें गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद करवाया सीगा। उस तों इलावा उन्हां कोले 52 कलियां वाला जामा सीगा जी, जिहदे थ्रू उन्होंने पहाड़ी राजे छुड़वाए सी ग्वालियर दे किले दे विचों। इत्थे इक बेरी है जिथे गुरु साहिब ने विश्राम किया सीगा, अपना घोड़ा बन्निया सी। तो उस तो अलावा 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद साहिब जी भी इत्थे आए थे चमकौर की गढ़ी छड्डण तो बाद। जो उन्होंने छड़ी सी तां भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, मान सिंह जी सीगे नाल उन्हां दे, नबी खान ते गनी खान जिहड़े कि उन्होंने उच्चा पीर बना के लैके आए थे। तो गुरु साहिब जी ने भी इस बेरी थले विश्राम किया सीगा। तो उस तो अलावा अपने हाथों के नाल देग बना के वरताई सी। तो अज भी जिहड़ा बंदा सुखना सुख के इत्थे प्रोपरली देग वगैरह चढ़ाता तो वो जी भी श्रद्धा हैगी है, जो भी कि मन्नत वगैरह सुखी होंगी है तो वह पूरी होंगी है। तो गुरु जी ने जिहड़ा इहदा नाम सीगा वह देगसर साहिब रखिया सीगा। सो तुसी किसी भी टाइम इत्थे आके दर्शन कर सकते हो। संगरांद नूं इत्थे पूरा मेला लगता जी एतवार ते संगरांद नूं, सो बहुत ज़्यादा इकट्ठ हुंदा है। अगर थोनू टाइम मिलता तो तुसीं अपने परिवार के नाल किसी भैन भरा रिश्तेदार ने ला के इत्थे गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करके अपना जीवन सुखाल कर सकते। सो यह वह बेरिया साह संगत सी जिहदा आपां जिक्र कर रहे सीगे। इत्थे ही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने विश्राम किया सी, अपना घोड़ा बन्निया सीगा जी। ते उस तों इलावा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने भी इत्थे आराम किया सी जदों वह चमकौर साहिब तों उच्च दा पीर बन के आए ने गनी खान ते नबी खान दे नाल। इत्थे ही उन्होंने अपना पलंग डाया सीगा। ते उस तों इलावा इस जगह दे उत्ते उन्होंने अपने हत्थां दे नाल ही देग वरताई सी संगत नूं, जिहदा आपां पहलां भी जिक्र किया है। अपने हत्थां नाल देग वरता के वरताई सी। जिहड़ा भी बंदा इत्थे देग चढ़ाउंदा उहदी मन्नत पूरी हुंदी है जी। अगे आ गुरु साहिब जी जिहड़ियां तोपां लैके आए सीगे जदों ग्वालियर दे किले चों 52 पहाड़ी राजे छुड़वाए सीगे उन्होंने। तां जदों कलियां वाला चोला आपां इतिहास विच सुणिया होया जी। सो उस टाइम दे उत्ते तोपां सीगियां ते उहनां दे नाल 1100 जिहड़े हैगे आ पूरे घोड़ सवार सीगे। बाकी चंदू कैदी सीगा जी जिहदा आपां जिक्र किया कि गुरु अर्जन देव जी नूं जिन्हें शहीद करवाया सीगा। सो तोपां ने तुसीं आ दर्शन कर सकते हो। एस जी टी पईआं होईआं ने, उसे कंडीशन दे विच ही पईआं होईआं ने। प्रबंधक कमेटी ने वधिया इहनां नूं मेनटेन करके रख्या होया जी। इहदे नाल इक होर इतिहास भी है जी। जदों आ नहर कढ़ी गई उस टाइम दे उत्ते इक अंग्रेज़ इंजीनियर सीगा मिस्टर स्मिथ, 1854 दे विच नहर बनी आ। उस टाइम दे उत्ते उन्होंने इस गुरुद्वारे नूं ढा के नहर विच दी कढ़न की कोशिश की सी। जदों उन्होंने बेरी दे उत्ते सट्टा मारी सी तां उस टाइम दे उत्ते खून निकल आया सीगा, जिथे जिथे भी फट वजे सीगे। तो उस अंग्रेज़ दीआं अक्खां दी रोशनी चली गई सी। फिर उन्हें देग चढ़ा के इत्थे जिहड़ी हैगी अपनी गलती मन्नी सी, तां जाके उह द्वारा सुचज्जा होया सीगा। तो उस टाइम के बाद फिर उन्हें एक साइड पर थोड़ी जी जगह भी बनाई सी। सो तुसीं इस गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करके अपना जीवन सफला कर